भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन के सहयोग से सोनमर्ग में सुरमयू सिंध नदी पर आयोजित एशियाई खेलों के लिए पहली बार कैनो स्लैलम ट्रायल का आयोजन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 90 वाटर स्पोर्ट्स एथलीटों ने हिस्सा लिया। ये ट्रायल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शीर्ष 5 एथलीट जो प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर सकते हैं वे सितंबर में चीन में होने वाले प्रतिष्ठित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पहल का उद्देश्य व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वाटर स्पोर्ट में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और भारत में इस अनुशासन के समग्र विकास में योगदान देना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता जम्मू कश्मीर पर्यटन जिला प्रशासन गांधरबल और कलर कर्व इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से हुआ। और यहाँ का वाटर एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा एशियन गेम्स का ट्रायल्स चालू है जो कि इसी साल है चाइना में। हम लोग उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और प्रोबेबली हमारा जो कैंप लगेगा वो भी जम्मू कश्मीर में ही लगेगा। तो हम लोग बहुत थ्रिल्ड हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस हेवन। आई मीन वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड द कॉम्पिटिशंस आर गोइंग रियली वेरी वेल। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। यहाँ पे हम लोग को वाटर का एक्सपोजर जो होता है जो हमारे कैनो स्लालम के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास हम जब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो हमें अलग अलग कोर्सेज में प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग कोर्सेज में हमें कॉम्पिटिशन रन करने होते हैं। तो इसके लिए हमारे इंडिया में बहुत अच्छे वाटर रिसोर्सेज हैं। वन ऑफ देम इज जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे 5 रिवर्स हैं। जम्मू कश्मीर हैज 5 रिवर्स एंड दिस इज वन ऑफ देम। सो वी आर रियली एंजॉयिंग इट। आवर टीम इज यू नो वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है आज सोनमर्ग में। आप देख लीजिए एशियन गेम्स की ट्रायल जो हमारे यहाँ होने जा रही है, और आप देख लीजिए रिवर सिंध में जो आज रेस कोर्स बना। आई हैव बीन मोर देन 30 कंट्रीज। मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल कोर्स बनने जा रहा है। इसमें एशियन गेम्स की सिलेक्शन होगी ऑल ओवर कंट्री। 100 से ज्यादा खिलाड़ी टॉप एथलीट्स आए हैं और जो चाइना में सितंबर में एशियन गेम्स होगा उसमें ये खिलाड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आज जो इंडियन कयाकिंग एंड कैनो एसोसिएशन फेडरेशन के लोग कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से हमारे साथ हैं। तो यही है कि ऑलरेडी इनके पास सोनमर्ग में यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है, तो उन्होंने ये इस बार डिसाइड किया कि ये ट्रायल रन हम सिंध में करेंगे। तो हमने भी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना था वो किया है। तो आने वाले वक्त में जो भी कोई एक्टिविटी यहाँ होगी या कोई एसोसिएशन हमारे साथ मिलकर कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो वी आर ओपन टू इट। हमारे साथ हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको पूरा जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इन एक्टिविटीज की वजह से अच्छा है कि जो आपके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं उसमें एक्टिविटी होती है, बाकी लोगों को काफी एक्टिविटीज देखने को भी मिलती हैं। और एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मेटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-2554-360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।